नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल लॉन्चर के बारे में। ये दोस्तों पहले जो है आपको किसी वेबसाइट में जाके APK फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी, लेकिन कल के दिन यानी 25 अगस्त को ये प्ले स्टोर में आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूटलेस लॉन्चर, और ये जो है प्ले स्टोर में आ चुका है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको सिंपली यहां से इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको यहां पर ओपन ओपन का कोई भी बटन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ अनइंस्टॉल का ही बटन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपके होम स्क्रीन लॉन्चर में जाके इसे चेंज कर देना है। तो मैं चलता हूं सेटिंग्स में, ये है मेरा वीवो का V5 Plus। तो यहाँ पर उसके बाद मेरे को जाना होगा मोर सेटिंग्स में और एप्लीकेशन में, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग। तो यहाँ पर होम स्क्रीन वाले में सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं रूटलेस पिक्सल लॉन्चर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब आप बोलेंगे कि इसे क्या ज़रूरत है भाई, पिक्सल का जो मोबाइल्स आते हैं गूगल पिक्सल, वो 50,000 से ऊपर के आते हैं, 40,000 से के ऊपर के आते हैं, तो भाई इतना महंगा मोबाइल तो नहीं ले सकते, लेकिन ये लॉन्चर आप इंस्टॉल करके उसका एक्सपीरियंस थोड़ा मज़ा ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ आपको डेट वगैरह, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट वगैरह सा कैलेंडर खुल जाएगी। उसके बाद नीचे आपको कुछ मेनू मिलेंगे और उसके नीचे आपको मिलेगा गूगल सर्च बटन। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर टैप करके रखेंगे तो आपको तीन सेटिंग्स मिलते हैं। सबसे पहले वॉलपेपर्स का, तो आप यहां से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद विजेट का, तो आप जो भी विजेट लेना चाहते हैं उसे सिंपली टैप करके रखिए और यहां पर सेट कर दीजिए। क्रिएट कर देने के बाद आपकी वो विजेट यहां पर सेट हो जाएगी, चाहे तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी सेटिंग आती है होम सेटिंग्स की। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे, नोटिफिकेशन डॉट्स, इसको चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं या तो फिर ऑफ रहने दे सकते हैं। एट अ ग्लैंस डिस्प्ले गूगल ऐप, डिस्प्ले ऐप सजेशन, थीम, यहाँ पर आप थीम जिस तरीके का लेंगे, यहाँ पर जैसे कि डार्क है तो आप इस तरीके से जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम जो है वो डार्क है। और उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ से लाइट कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लाइट मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट मोड आ गया है, यहाँ पर थीम जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा लुक देखने को मिलता है। और दोस्तों और भी सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर आइकन पैक, तो आइकन पैक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अगर इधर साइड स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके न्यूज़ फीड के अनुसार न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों अगर आप जैसे किसी आइकन पर टैप करते हैं जैसे कि इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्या क्या मैसेज किस तरीके से ये आया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको किसी भी चीज़ में नोटिफिकेशन देखने को ऐसे मिल जाएगा। जैसे क्रोम में अगर करेंगे तो न्यू इनको टैप, न्यू टैप, आप इस तरीके से यहीं से ही शॉर्टकट अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये है गूगल पिक्सल लॉन्चर का, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ग्लोसी और अच्छा फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा रखता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।